व्हाट्स अप फेसबुक इंस्टाग्राम गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में हम खेल रहे हैं जीटीआर सैन एंड्रियास। तो जैसे कि आप सभी लोगों को याद होगा, लास्ट एपिसोड में हम अपने फ्रेंड स्मोक के दोस्त ओजी लॉक को जेल से छुड़ाने के लिए गए थे। और जब हम ओजी लॉक को जेल से छुड़ा के बाहर आए थे, तब हमने ओजी लॉक से पूछा था कि आखिर तुम्हें जेल में किसने बंद कराया था। तब ओजी लॉक ने हमें बताया कि मुझे वेगास गैंग के एक मेंबर ने झूठे केस में फंसा के जेल में बंद करा दिया था। एंड उसके बाद हम लोग ओजी लॉक का बदला लेने के लिए वेगास गैंग के मेंबर के घर पे गए थे। लेकिन जब हम वेगास गैंग के मेंबर के घर पे पहुंचे, तब पता नहीं कैसे उसको हमारे आने की खबर पड़ जाती है और वो हमारे पहुंचते ही वहां से निकल लेता है। एंड उसका पीछा करते हुए हम भी वहां से निकलते हैं। एंड हम इस बंदे का काफी देर तक पीछा करते हैं, बट ये हमारे हत्थे नहीं आता। एंड थोड़ी देर बाद ये हमें अपनी गैंग के पास में ले जाता है और फिर हम इस बंदे को और इसकी गैंग को बहुत बुरी तरह मारते हैं। और इन सबको मारने के बाद हमें वहां पे मिलती है ये मर्सिडीज। और इस मर्सिडीज को लेके मैं अपने घर पे आ जाता हूँ। अभी हमारे पास पूरी दो गाड़ी हो चुकी हैं, एक है मर्सिडीज एंड दूसरी है केटीएम। वैसे अपने पास लैम्बोर्गिनी सियान भी थी, बट अपनी जो लैम्बोर्गिनी सियान है वो अभी बेलास गैंग वालों के पास में है, तो हमें उनसे कैसे भी करके अपनी लैम्बोर्गिनी सियान लेनी पड़ेगी। मुझे कोई ना कोई प्लान तो जरूर बनाना पड़ेगा यार। और यार एक बार तुम लोग इस मर्सिडीज का लुक तो देखो यार, इसके लुक को देख के सच में मजा ही आ जाता है। तो फिलहाल गाइस अभी सीन ये है, आज से कुछ साल पहले हमारे एक फ्रेंड था डेविन नाम का, जिसने हमारे साथ मिलके कार्स का बिजनेस स्टार्ट किया था। और जब इस बिजनेस में काफी ज्यादा प्रॉफिट होने लगा, तब उसने हमें धोखा दे के सारा बिजनेस अपने नाम करा लिया था। और अब वो उस बिजनेस से एक बिलियनर बन चुका है एंड उसका बिजनेस आज के टाइम में नंबर वन बन चुका है। और बस इसी खुशी में आज उसने बीच पे एक पार्टी रखी है जिसमें उसने हमें इनवाइट किया है। अब पार्टी में जाने के लिए मेरे पास कोई कोट पैंट तो है नहीं, तो मैंने यही अपने पुराने कपड़े पहन लिए हैं। बाकी मेरे पास थोड़े से पैसे पड़े हुए थे, तो मैंने ये जूते खरीद लिए जो कि मैं अभी पहना हुआ हूँ। तो चलो अभी चलते हैं उसी पार्टी में। अब देखो यार, उसने हमें पार्टी में खातिरदारी करने को तो बुलाया नहीं है, उसने हमें पार्टी में सिर्फ और सिर्फ हमारी बेइज्जती करने के लिए ही बुलाया है। वो बस हमें दिखाना चाहता है कि देखो तुम वहीं के वहीं रह गए और मैं कहां से कहां पहुंच गया। और अगर उसने हमारी थोड़ी सी भी बेइज्जती की, तो मैं वहीं की वहीं उसको टपका दूंगा और उसके पास जितना भी पैसा है, जितनी भी गाड़ियां हैं, वो सब मैं चुरा लूंगा। क्योंकि यार उसकी तरक्की होते हुए मैं तो नहीं देख सकता, क्योंकि यार उसने हमें बिजनेस में धोखा दिया था, जिसकी वजह से हमें रोज रोज ये चोरियां करनी पड़ती है, डकैती करनी पड़ती है। अगर वो हमें धोखा नहीं देता तो आज हम भी एक बिजनेसमैन होते। तो चलो वहां पहुंच के देखते हैं हमारे साथ क्या होता है। बाकी अपनी मर्सिडीज कितनी प्यारी है, इसके कंट्रोल कितने प्यारे हैं, ये तो मैंने आपको लास्ट एपिसोड में दिखाया ही था भाई। इतनी स्मूथ कट मारती है ना, मजा ही आ जाता है यार। तो चलो अभी हम लोग अपनी मर्सिडीज को भगाते भगाते पहुंचते हैं सीधा पार्टी में। तो ओके गाइस, अभी मैं अपनी मर्सिडीज भगाते भगाते पहुंच चुका हूँ सीधा बीच पार्टी पे। यहाँ पे तुम लोग को देख सकते हो कितने सारे लोग आए हुए हैं। और अभी यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं, ये सभी डांसर हैं या फिर कोई भी काम वाले लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई अमीर आदमी तो दिख नहीं रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे पार्टी रात में होने वाली है और मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी आ चुका हूँ। बाकी आप लोग देखो, पीछे की तरफ डेविन खड़ा हुआ है अपने सिक्योरिटी के साथ एंड यहाँ पे इसकी दो दो सुपर कार खड़ी है। ये लैम्बोर्गिनी टेरजो है एंड वो है बुगाटी चिरोन। भाई सच में यार, ये दोनों मिलियन डॉलर की गाड़ियां हैं और ये बंदा बीच पे सिर्फ पार्टी करने के लिए ये गाड़ियां लेके आया। सोचो यहाँ पे जब ये इतनी महंगी महंगी गाड़ियां लेके आया है, तो इसके शोरूम में एंड इसके घर में कितनी महंगी महंगी गाड़ियां होंगी, कितना ज्यादा पैसा होगा इसके पास यार। सच में ये बहुत ज्यादा अमीर है। और आज हम भी इतने ही अमीर होते, बट यार इसने हमें धोखा दे दिया। तो चलो यार अभी इसके पास में चल के इससे बात कर लेते हैं, इससे पूछ लेते हैं क्या हालचाल है इसके। मेरा मन तो कर रहा है मैं अभी इसका भेजा उड़ा दूं, बट इसकी सिक्योरिटी खड़ी है, तो चलो अभी इससे बात करते हैं। तो ओके गाइस, मेरी इस बंदे से बात हो चुकी है और मुझे पता था यहाँ पे क्या होने वाला है। इसने मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी है। ये कह रहा है देख लो तुम अभी तक भिखारी के भिखारी ही हो और मैं एक बिलियनर बन चुका हूँ। मुझे पता था यहाँ पे क्या होने वाला है। मैंने सोचा अगर ये अच्छे से बात करेगा तो मैं इसको छोड़ दूंगा, इससे कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन इसने अपनी औकात दिखा ही दी आखिर। अब मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो चुका है, मैं इसको लिटरली बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। मैं यहाँ पे पहले छुप जाता हूँ, यहाँ पे अपनी गन निकालता हूँ पहले तो मैं, और अब पहले तो मैं इसको निपटाऊंगा, उसके बाद इसके सिक्योरिटी गार्ड को। चल निकल यहाँ से।
तेरा काम हो गया और अब इसके सिक्योरिटी गार्ड को भी निपटा देता हूँ मैं फटाफट से। सभी सिक्योरिटी गार्ड एकदम लल्लू है, किसी को कुछ पता ही नहीं चला भाई, किसी ने एक गोली भी नहीं चलाई। और अब फटाफट से मैं पहले तो यहाँ पे जितने लोग हैं इनको भगाता हूँ। तो ओके गाइस, मैंने यहाँ पे सभी लोगों को डरा धमका के भगा दिया है और अब मुझे इस बंद की गाड़ियां भी तो चुरानी है। तो फटाफट से मैं स्वीट को बुलाता हूँ, तो जल्दी से मैं स्वीट के पास कॉल लगाता हूँ, उसको यहाँ पे बुलाना बहुत जरूरी है। तो ओके गाइस, अभी स्वीट यहाँ पे आ चुका है एंड मैंने इसको सब कुछ समझा दिया है। मैंने इसे कह दिया है कि तू मेरी बुगाटी लेके मेरे घर पे जा बिल्कुल सही सलामत पुलिस से बचते हुए, एंड मैं इस लैम्बोर्गिनी टैर्जो को लेके आता हूँ। तो ओके गाइस, अभी स्वीट यहाँ से बुगाटी लेके निकल चुका है और मैं भी अपनी लैम्बोर्गिनी टैर्जो लेके यहाँ से निकल चुका हूँ। बस मुझे ये टेढ़े मेढ़े रास्तों से निकालनी है पहले। तो यहाँ पे सामने की तरफ एक पुलिस की गाड़ी है तो मुझे इससे बच के निकलना पड़ेगा, बस मैं एक बार मेन रोड पे पहुंच जाऊं। तो ओके गाइस, अभी मैं थोड़े से मेन रोड पे पहुंच चुका हूँ एंड मेरे ऊपर 2 स्टार की पुलिस है, बट ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मेरे पास है लैम्बोर्गिनी टैर्जो एंड भाई ये तो हवाओं से बातें करती है। बट अभी तो मुझे इसको बिल्कुल भी नहीं चला मिल रहा क्योंकि मैं इसको जैसे ही थोड़ा लेफ्ट राइट कर रहा हूँ तो ये बहुत ज्यादा फिसल जा रही है। बाकी ये गाड़ी हाईवे पे मस्त चलती है। ओ भाई, ये क्या निकाली मैंने बचा के। तो गाइस, अगर मैं ऐसे ही भागता रहा तो पुलिस वाले मेरा पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, मुझे फटाफट से अपनी गाड़ी को पेंट कराना पड़ेगा। पेंट कराने के बाद पुलिस वाले हमारा पीछा छोड़ देंगे। तो ओके गाइस, अभी मैं पतले पतले रास्तों से निकाल के अपनी गाड़ी को लेके आ चुका हूँ पेंट की शॉप पे। यहाँ पे आने में अगर मैं थोड़ा सा लेट कर देता तो पुलिस वाले ऑलमोस्ट मेरी गाड़ी फाड़ ही देते, तो फटाफट से इसको पेंट कराते हैं अब। तो ओके गाइस, अभी हमारी गाड़ी पे पेंट हो चुका है एंड अब हमारे ऊपर से जितने भी स्टार है वो सब हट जाएंगे और पुलिस भी हमारा पीछा छोड़ देगी। अरे भाई, ये पुलिस वाले से अभी गाड़ी टकरा जाती तो दिक्कत हो जाती। बट फिलहाल आप लोग एक बार मेरी लैम्बोर्गिनी टैर्जो का लुक तो देखो भाई, इस पे डार्क ब्लू कलर कितना मस्त लग रहा है और भाई क्या लुक आ रहा है इसका यार, मतलब एक एक चीज भाई बहुत ही प्यारी लग रही है यार, मजा आ गया बिल्कुल। तो चलो यार, गाड़ी की तारीफ बाद में करेंगे, अब इससे पहले हमारे ऊपर और भी पुलिस वाले चढ़ जाए, फटाफट से यहाँ से निकल लेते हैं। एंड भाई, इस गाड़ी को चलाने में सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है यार। और अभी तो हमारे पास बुगाटी भी है यार, उसको भी भगाएंगे, वो तो इससे ज्यादा सुपर फास्ट है, उसमें तो और भी ज्यादा मजा आएगा। तो चलो अभी बातें कम करते हैं, फटाफट से अपने घर पे चलते हैं। तो ओके गाइस, अभी मैं अपने लैम्बोर्गिनी टैर्जो को लेके घर पे आ चुका हूँ। बट वेट भाई, यहाँ पे इतने सारे FBI ऑफिसर क्या कर रहे हैं? कहीं इन लोगों को पता तो नहीं लग गया डेविड को मैंने मारा है? अगर इन लोगों को पता लग गया कि डेविड को मैंने मारा है तो भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, इन लोगों ने पूरे एरिया पे कब्जा कर रखा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं स्वीट को यहाँ पे बुलाता हूँ और इससे बात करता हूँ, इससे पूछते हैं आखिर यहाँ पे क्या सीन है। तो ओके गाइस, अभी मेरी स्वीट से बात हो चुकी है। स्वीट कह रहा है जब मैं यहाँ पे बुगाटी लेके आया था तब यहाँ पे इतने सारे FBI ऑफिसर थे, इसलिए मैंने बुगाटी को घर के पीछे छुपा दिया। एंड बुगाटी छुपाने के बाद जब मैंने FBI ऑफिसर से पूछा कि आखिर आप लोग यहाँ पे क्यों आए हो, तब उनने हमें कुछ भी नहीं बताया। तो अभी एक काम करते हैं, हम लोग खुद ही FBI ऑफिसर से बात करते हैं। तो ये खड़ा है FBI ऑफिसर, अब फटाफट से बात करते हैं। तो ओके गाइस, अभी मेरी FBI ऑफिसर से बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले एक डेविड नाम के बिजनेसमैन का मर्डर हुआ है और जिसने वो मर्डर किया है वो इसी एरिया में रहता है। मतलब इन लोगों को ये तो पता नहीं लगा है कि मर्डर हमने किया है, बट इन लोगों को ये जरूर पता चल चुका है कि जिसने मर्डर किया है वो इसी एरिया में रहता है। एंड इसीलिए जब तक इन लोगों को पता नहीं लग जाता कि मर्डर किसने किया है तब तक इनकी नजर इसी एरिया पे रहेगी, यहाँ पे कौन क्या करता है ये सब कुछ नोटिस करेंगे। एंड हमने जो मर्डर किया है यार, उसका जो सबूत है वो भी हमें मिटाना पड़ेगा, हमारी मर्सिडीज खड़ी है वहां पे, तो हमें वहां से अपनी मर्सिडीज भी लेके आनी पड़ेगी और हमने जितने भी सबूत छोड़े हमें वो सबूत मिटाने पड़ेंगे, वरना हम बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। हमें बहुत ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा यार आज से। तो चलो गाइस, इनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, इन लोगों ने सारी पूछताछ कर दी है और ये लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो इनके जाने का वेट करते हैं, उसके बाद अपनी गाड़ी निकालेंगे। ओके गाइस, अभी सभी FBI ऑफिसर यहाँ से जा चुके हैं एंड यार ये तो अच्छा हुआ मैंने अपने लैम्बोर्गिनी का कलर चेंज करा लिया, वरना ये लोग मुझे इजीली पकड़ लेते। और अभी मौसम काफी ज्यादा खराब हो चुका है तो हम लोग अपने लैम्बोर्गिनी को यहाँ पे खड़ा करते हैं एंड स्वीट ने मेरी बुगाटी घर के पीछे खड़ी करी है, तो चलो अपनी बुगाटी को भी लेके आते हैं। तो ये रही अपनी $1 मिलियन की बुगाटी। ये बुगाटी सच में बहुत ज्यादा महंगी यार, अगर मैंने इसको बेचा तो मुझे $1 मिलियन मिल जाएंगे। आप लोग मुझे बताना, मुझे इसको बेचना चाहिए या फिर मैं इसको अपनी पर्सनल कार बनाऊं। तो मेरे गैराज में तो ज्यादा जगह नहीं है तो मैं अपनी बुगाटी को यहाँ पे खड़ा कर देता हूँ और मुझे जल्दी ही यहाँ से अपनी बुगाटी को हटाना पड़ेगा क्योंकि अगर पुलिस वालों ने देख लिया तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी।
जाएगी एंड यार अपने पास गाड़ी काफी ज्यादा हो चुकी है बट अपने पास जगह नहीं है तो अपने को एक घर भी लेना पड़ेगा। बाकी गाइस आज की ये वाली वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दो एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो एंड घंटी को भी ऑल पे सिलेक्ट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।